नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाटा कंपनी का 15-12G टेम्पो आता है उसके बारे में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, अभी साथ के साथ दिखाऊंगा, फीचर दिखाऊंगा, इसके कैबिन के बारे में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा साथ के साथ में कितना अच्छा कम्फर्ट दिया है। जैसा कि हम पहले इसकी अगर कंपनी की वारंटी की बात करें तो कंपनी जो है 3 साल की वारंटी और 3 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है हर प्रोडक्ट पे, साथ में प्लस में एक चेसिस इंश्योरेंस के नाम से इंश्योरेंस करती है, जो कि अपना भगवान ना करे किसी को का कोई एक्सीडेंट हो और उसमें कोई डेथ अगर हो जाती है तो 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस क्लेम है वो ड्राइवर की फैमिली को दिया जाएगा। उसमें ड्राइवर ड्रिंक किए हुए ना हो, दारू पिए ना हो और साथ में उसका लाइसेंस वैलिड हो। और जैसे कि हम बात करें इसके अगर ये वेट की बात करें तो 1620 kg के वेट में ये पास है ये गाड़ी, 1600 टन में, जैसे कि हम बेसिकली कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास है ये टेम्पो। और जैसे कि हम इसके इंजन की बात करें तो ये अपना टाटा कंपनी का 3.8 टाटा कंपनी का 3.8 SGI टाटा कंपनी का 3.8 SGI TCIC इंजन है, BS6 इंजन है ये। और जैसे इसकी हम बात करें ये 4 इनलाइन है ये पंप, 4 इनलाइन। अगर हम इसके बोर की बात करें 97 NM के बोर के साथ में और 128 NM के स्ट्रोक के साथ में ये ट्रक आता है। 3786 cc का इसका इंजन है जो कि काफ़ी पावरफुल है। और अगर हम इसके मैक्सिमम HP की बात करें, PTO मैक्सिमम इंजन आउटपुट की बात करें तो 125 PS 92 kW का इंजन है जो कि 2250 RPM पे अपना ये 125 PS यानी कि 92 kW अपनी HP जनरेट करेगा ट्रक वो। और अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 420 NM टॉर्क पैदा करता है मैक्सिमम, जो ज़्यादा ज़्यादा 420 NM टॉर्क पैदा करेगा 1400 से 1600 RPM के बीच में। और अगर हम इसके गियर की बॉक्स की बात करें, जो अपना गियर बॉक्स है टाटा कंपनी का GBS 40 गियर बॉक्स, सिंक्रोमैस गियर बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर और 5+1 5 गियर आगे के लिए और 1 गियर पीछे के लिए अपना इसमें काम करता है। और जैसा कि हम इसकी क्लच प्लेट की बात करें तो अपना सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप के साथ में हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड क्लच है और जो क्लच का डाया है 330 mm के डाये के साथ में 30 की क्लच है। और अगर हम इसके रियर एक्सल की बात करें तो अपना जो अपना रियर एक्सल है, बैक एक्सल जिसको बोलते हैं हम, जो रियर एक्सल है ये अपना ये टाटा कंपनी का RA108 RR बेंजो के साथ में आता है। और जो फ्रंट एक्सल है इसका अपना हैवी ड्यूटी फोर्ग्ड 1 बीम के साथ में अपना इसका बनाया गया है, लीफ वगैरह लगी हैं इसमें, कमानी जो बोलते हैं साथ में सॉफ्ट कर दिया है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढों को ऑब्जर्व करे और जिससे ड्राइवर को कम से कम थकावट हो। और अगर हम इसके जैसे फ्रंट एक्सल जो है इसका अपना हैवी ड्यूटी के लिए भी बनाया गया है। और अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो अपना ड्यूल सर्किट फुल एयर SKM ब्रेक के साथ में आता है ड्रम ब्रेक से, और जो फ्रंट और रियर दोनों ड्रम ब्रेक के साथ में है। और चर्स जो ड्रम का जो डाया है 410 mm के डाया के साथ में आता है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें, जैसे कि गैस टैंक है जो इसमें 466 लीटर के टैंक के साथ में आता है। और अगर इसकी बॉडी फ्रेम की बात करें, जो ये बॉडी फ्रेम है ये लोडेड टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम लगा हुआ है विद रिविटेड बोल्टेड क्रॉस मेंबर्स के साथ में, जो इसका पूरा अपना जो फ्रेम है काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोड ये उठा सके। तो अपना ये टेम्पो भाई। और साथ में जैसे इसकी हम अगर फीचर की बात करें तो जो इसके फ्रंट टायर हैं वो 9.00R20 के साथ में आता है ये, 16 ply रेटिंग के साथ में जो कि लोड ले सकता है। और जो इसके ये अपना 7-7 टायर के साथ में आता है, जो 6 टायर हैं वो साथ में लगे होते हैं, ये पिछले टायर भी सेम है 9R20 के साथ में, और जो साथ में एक अलग से एक्स्ट्रा स्टेपनी दी गई है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, ये जो टेम्पो है ये 2 वेरिएंट के साथ में आता है, 20 फुट और 22 फुट, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये 20 फुट वेरियंट है, ये 20 फुट की लंबाई के साथ में है ये टेम्पो, 20 फुट प्लस 22 फुट 2 वेरिएंट के साथ में आता है। अपने काम के अनुसार अपना किसान अपना बंदा ले सकता है इन चीज़ों का, टेम्पो को ओनर ले सकता है। डबल एयर टैंक के साथ में आता है, बड़ा अच्छा हैवी ड्यूटी बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है। अगर हम इसके जैसे कैबिन की बात करें तो हैवी कैबिन बनाया गया है, और खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा।
अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो ड्राइवर का विजिबिलिटी के लिए जो ऑप्शन दिए हैं कंपनी ने, साइड में डबल मिरर दिया है ताकि नीचे भी देख सके और पीछे भी देख सके, और जो बिल्कुल फ्रंट में जो होता है बिल्कुल एकदम जो डाउन पोजीशन होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा अगर वो नहीं दिखाई दे तो उसके लिए भी कंपनी ने साइड में आगे मिरर लगाया, फ्रंट मिरर, जो कि अपना पूरा टेम्पो का आगे से क्या है सारी चीज़ें आगे बंदे को दिखाई देंगी। और टेम्पो के नीचे यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस को डिसाइड करने के लिए हैवी बम्पर दिया है ताकि कहीं पे कहीं कोई दिक्कत आए ऊंचे गड्ढे वड्ढे में गाड़ी की चेसी ना लग के अपना बम्पर लगे जिससे गाड़ी सेफ चलती रहे। हेडलैम्प वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, और ये अपना 15G का मतलब गैस, 15 का मतलब 15 टन 12, यानी कि 15 टन में पास 12 इसका अपना कुछ इंजन की HP के हिसाब से। और यहाँ पर भी मिरर दिया है जो कि इस तरीके से भी रोटेट करके पूरा दिखाएगा, और इस मिरर में देख सकते हो, इस मिरर में देख सकते हो, जो कि विजिबिलिटी गाड़ी की है बहुत अच्छी बनाई गई है, गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये बोल्ट दिया है, ये कैबिन को जो है आप कैबिन को क्या आप आगे रोटेट कर सकते हो, यहाँ से हैंडल को यूज़ करके आप कैबिन को आगे लटा सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन दिए कैसे क्या यूज़ करना है, किस तरीके से, सारी डिटेल्स दी हैं। ये किसान अपना भाइयों को जो ड्राइवर हैं उनको पढ़ना चाहिए जब आप चलाते हो, तो उसके जो को पैसेंजर होता है उसके लिए बोतल होल्डर दिया है अंदर। यहाँ पे टूल बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे अपना जैक है, सीट है, अगर ड्राइवर सीट की तरफ से दिखाऊँ यहाँ पे भी स्पीकर दिया है और साथ में ब्लोअर भी लगे हुए हैं। ये अपना टूल बॉक्स है, अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना सामान रख सकते हो इसके अंदर, ये अपना टूल बॉक्स है। अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ, जो स्टेयरिंग है इसका टिल्ट स्टेयरिंग है, यानी कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो स्टेयरिंग को अपने काम के अनुसार। जैसा कि हम पहले सीट की बात करें, जो सीट है इसकी डिलक्स सीट के साथ में आता है ये, अपना जो हाइट के अकॉर्डिंग आप ऊपर भी नीचे भी सेट कर सकते हो, आगे पीछे, और वेट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे जितना बंदे का वेट है उसके हिसाब से सीट को एडजस्ट करो ताकि जब गड्ढे वड्ढे में लगे तो ड्राइवर को ज़्यादा झटके ना लगें और ज़्यादा लंबा ड्राइव कर सके ट्रक को, टेम्पो को ड्राइवर। ये इधर अपना क्लच पैडल, रेस पैडल हो गया, ये अपना ब्रेक पैडल हो गया, और ये साथ में क्लच पैडल हो गया, और इधर ड्राइवर के लिए भी अपना बोतल होल्डर दी गई है और डबल हैंडल दिए हैं ऊपर पकड़ चढ़ने के लिए, पकड़ के चढ़ने के लिए, और यहाँ पे डबल पायदान दिया क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इस टेम्पो का ज़्यादा है, इस कारण इसमें डबल पायदान दिया है, आप इजीली ऊपर चढ़ सकते हो। और जैसे कि मैं इसके डैशबोर्ड की बात करें तो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो, सामने भी कुछ अपना सामान रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और इसमें साथ में ब्लोअर दिए हैं। अगर आपको एसी कैबिन लगवाना, एसी लगवाना है तो आप आराम से एसी लगवा सकते हो, कंप्रेसर वगैरह रखवा के वो अपना मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें फ़ैन लगे हुए हैं सिंपल फ़ैन के साथ में, और डबल ये USB लगी हुई है 5V और 2.4A के साथ में, और साथ में म्यूजिक सिस्टम भी दिया है टाटा कंपनी का अपना म्यूजिक सिस्टम, USB वगैरह पोर्ट, इसमें सब मोड सारे हैं, ऑक्स मोड भी है, और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन दिया है, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। इधर अपना हैंड ब्रेक दिए हैं लीवर, और ये पैनिक बटन दिया है, जहाँ पे भी आपका जैसे कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है ऐसा किसी भी एरिया में, तो यहाँ से इसको आप बटन को दबा के आप अपने मालिक के पास अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। जो स्टेयरिंग है वो यहाँ से इस बटन को अगर हम नीचे करेंगे इस तरीके से तो आप अपने काम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो स्टेयरिंग को, अपने वेट पेट के हिसाब से। जैसे कि बात करें, कुछ बंदे मोटे होते हैं थोड़ा सा, सबका अपना अपना स्टाइल होता चलाने का। ये अपना हॉर्न वगैरह दिया बीच में बजाने के लिए, इधर वाइपर ऑप्शन दिए हैं चलाने के लिए, और ये इधर अपना लाइट ऑप्शन दिए हैं। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो ये अपना आपकी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे सारे मीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं, वो सभी ऑप्शन आपके सबसे पहले अनेबल ऑन हो जाएंगे। आप तुरंत अपनी गाड़ी रोको, इसको गाड़ी को सर्विस सेंटर में दिखाओ, तब उसके बाद चलो, नहीं तो कोई भारी नुकसान होने से आपका बच सकता है। और जितने बीच में ये LED स्क्रीन दी है, डिजिटल स्क्रीन, उसकी सेटिंग के लिए नीचे मोड वगैरह ये दिए हैं, मोड दिया है डाउन अप सेटिंग के लिए, तो सारी सिस्टम इसमें अवेलेबल हैं। इनको समझने के लिए प्लीज़ एक बार कोई भी बंदा जैसे गाड़ी को ड्राइव करता है तो एक बार मैनुअल बुक जरूर पढ़े, क्योंकि मैनुअल बुक के अंदर इनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, एक एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है। इधर अपना RPM मीटर दिया है, जिसको हम टैकोमीटर भी कह सकते हैं, इंजन टैकोमीटर कुछ ऐसा कुछ नाम होता है इसका। ये RPM मीटर दिया है 4000 RPM के साथ में। इधर अपना ये टेम्परेचर गेज दिया है, और यहाँ पे अपना स्पीड गेज दिया है 80 किलोमीटर की स्पीड के लिए, जैसे ये टेम्पो डिज़ाइन किया गया है, जो लिमिट स्पीड लिमिट है ये 80 है, स्टिकर भी लगा हुआ है कंपनी तरफ से, और इसमें अपना फ्यूल गेज है, और जो अपना ब्लोअर है वो गाड़ी जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये ब्लोअर काम नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिज़ाइन किया है।
ब्लोअर की स्पीड जो है वही, फैन बड़े अच्छे दिए हैं, काफ़ी दूर तक हवा फेंक रहे हैं। और ये अपना जो सीट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। जैसे अब अगर आप इसको आगे गियर लीवर को आगे करोगे तो आप यहाँ पे कोई कपड़ा वगैरह रख के आराम से अपने कैबिन के अंदर ही लेट सकते हो। और एक बार आपको जैसे आरपीएम मीटर दिखा देता हूँ, वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात देखो, जैसे अभी टेम्पो फिलहाल खड़ा है तो इसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। और ये यहाँ पर स्पीकर इधर भी ब्लोअर दिया है अब आगे लिए। ये इधर अपना पार्किंग के लिए ऑप्शन दिया है, डबल इंडिकेटर यूज़ करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। जैसे एक ड्राइवर के लिए अपना जो कैबिन है ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, जो हेड है जो ऊपर है काफ़ी स्पेस है। इधर अपना लाइट दी है बैक देखने के लिए, पीछे विजिबिलिटी के लिए ग्लास दिया पीछे, जो कि आप ड्राइवर पीछे तक देख सकता है, बैक करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए गाड़ी को। तो इस तरीके से हर चीज़ को ध्यान में रख के इस टेम्पो को डिज़ाइन किया गया कंपनी द्वारा। ये था भाई टाटा का 15-12। ये अपना दो वेरिएंट के साथ में आता है। अभी जब मैंने जो आपको गाड़ी दिखाई है वो 20 फुट की लेंथ के साथ में, लंबाई के साथ में है, और जो 22 फुट आता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो पीछे लेंथ है ये वाला हिस्सा इसका जो है 2 फुट और एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाए, पीछे बढ़ जाएगा, जिससे आप अपना वो सभी का अपनी डिमांड होती है, काम की डिमांड होती है, हैवी लाइट वेट होता है लेकिन लेंथ चाहिए उसके लिए, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। ये बेटा टाटा कंपनी का टाटा कंपनी का 15-12 GBS6 टेम्पो, और साथ में ये 709G खड़ा है, साथ में 1109G खड़ा है। ये सभी गैस के टेम्पो हैं। जो अपना टेम्पो सभी गैस से, जी का मतलब गैस से चलने वाले। तो वो ये था, जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।